जमुआ प्रखंड के कारोड़ी पंचायत सचिवालय में दिन सोमवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई, जिसमें से मनरेगा योजना में कुछ त्रुटियां पाई गयी। पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 2022-23 में कुल 548 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, जिसमें मात्र 135 योजनाओं का ही पंचायत कर्मियों के पास रोकड़ पंजी उपलब्ध है। यह खुलासा पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण सुनवाई में सोमवार को किया गया। सामाजिक अंकेक्षण में के बीआरपी वीरेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि हम लोग सोशल ऑडिट के लिए पंचायत में आए हैं। इसके बाद पंचायत सचिव और रोजगार सेवक से संपर्क कर सभी योजनाओं का रोकड़ पंजी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। सभी योजनाओं को रोकड़ पंजी जांच करते हुए सभी योजनाओं के कार्य स्थल पर पहुंचकर उन सभी योजनाओं का आलंकन किया गया और अंतिम दिन पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में बारी बारी से वहां उपस्थित ग्रामीणों और प्रतिनिधियों को जानकारी दी। जेई एई और ग्राम रोजगार सेवक को हिदायत दी गई कि सभी लाभुकों को मटेरियल पेमेंट जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। मौके पर उपस्थित लोगों की शिकायत सुनकर उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन सुनवाई कार्यक्रम में बारी बारी से सभी पंचायत स्तरीय कार्य जिसका पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में समस्याओं का निदान नहीं हो पाया था, उस पर सुनवाई की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित कारोड़ी पंचायत के मुखिया कुंती देवी, पंचायत समिति रीतलाल यादव, ग्राम सेवक रोजगार यूनुस टुडू, पर्व रोजगार सेवक मुन्ना पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता विकास यादव एवं समस्त पंचायत के ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत कारोड़ी में जो मनरेगा का समाजन किया गया वर्ष 2020-21 और 23-24 में बहुत से ऐसा मुद्दाएँ उभर कर सामने आया, जिसको जूडी मेम्बर के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जन सुनवाई में ही समाधान किया गया। कुछ ऐसी त्रुटियां आया जिसमें कुछ जेई जीआरएस और पंचायत सचिव को जुर्माना लगाया गया। ये जो सामाजिक अंकेक्षण होता है इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसमें हम लोग ये सीख मिलती है जो हमारे द्वारा त्रुटियां होती है वो त्रुटियां दूर होती है। ये सुधारात्मक सामाजिक अंकेक्षण था जिसे हम सही तरह से अभिलेख का संधारण करना, सही जगह पर जियोटेक करना, सही जगह पर उन योजनाओं को धरातल पर लाना बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसे हमें बहुत सारी चीज़ सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा हमें सुधारात्मक सीख मिलती है। दिनांक 9/1/2024 से लेकर आज दिनांक 15/1/2024 तक मनरेगा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 22-23 के सभी पूर्ण या पूर्ण एवं चालू योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम सामाजिक अंकेक्षण के दल के लोग आप ही के ग्राम पंचायतों में रहकर विभिन्न योजना स्थल पर पहुंचकर उनका बहुत सत्यापन किया गया। योजनाओं से संबंधित जितना दस्तावेज हम लोग को उपलब्ध हो पाया सभी दस्तावेजों का भी सत्यापन हुआ। साथ ही साथ जो मनरेगा योजनाओं के लाभुक थे, जो मनरेगा में मजदूर के में कार्य किए थे, उन लोगों का भी सत्यापन हुआ। और इस दौरान जो भी मुद्दे व समस्याएं उभर कर आया वो सारे मुद्दे व समस्याओं का प्रतिवेदन तैयार हुआ। उस प्रतिवेदन को इस पंचायत के सभी गांवों में के ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया और जो ग्राम सभा मुद्दे व समस्याओं की पुष्टि हुई वैसे मुद्दे व समस्याओं का निर्णय हेतु आज पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन की जा रही है। और क्योंकि आप लोग भी अवगत हैं कि सामाजिक अंकेक्षण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, जाने अनजाने या किसी भी रूप में कोई कमी रह जाती है तो वैसे फैक्ट फाइंडिंग को हम लोग सामने लाने का प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में उसको सुधारा जा सके।